हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस। वी आर गिवन दैट वी हैव टू कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। अर्थात इस चैप्टर में जितने भी हमारे पास एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए गए हैं उनको यहां पर हमें कंपेयर करना है। तो देखिए, तीन मेथड या तीन मॉडल हमारे पास यहां पर कंपेयर किए गए हैं इस चैप्टर में, तो उनको चलिए यहां पर हम बता देते हैं। पहला मेथड था थॉमसन्स मॉडल, दूसरा मॉडल था रदरफोर्ड्स मॉडल, और तीसरा मॉडल हमें बताया गया था नील्स बोहर, या हम बोल सकते हैं बोहर्स मॉडल। तो चलिए उसको हम यहां पर कंपेयर करते हैं। यहां पर हम थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल्स के पॉइंट्स रखेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या बताया था। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट थॉमसन में लिख देते हैं। इन्होंने बताया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। अब रदरफोर्ड की बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने आखिर क्या बताया था। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंसंट्रेट होते हैं, मतलब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, और वो होते हैं एट द सेंटर, और उस सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड मॉडल का था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड मॉडल का था कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड, या हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो ये इस तरीके से रदरफोर्ड का मॉडल था। अब हम बोहर्स के मॉडल के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, बोहर्स ने बताया था कि देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इनसाइड द एटम इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। और दूसरा उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं या इनमें रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोंट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग।